परेशान है तो हमको क्यों नहीं लेगा, हमको भी तो चिंता है। बाहर में हर व्यक्ति परेशान है, आज हमारा हिंदुस्तान में 107 से लेकर 10 तक हो गया कोरोना वायरस से व्यक्ति लोग का। जेल का भी स्थिति भी वही होने जा रहा है जो आज आपका बाहर का है, जो विश्व का है। तो विश्व से हम लोग बाहर नहीं है, हिंदुस्तान का जो है हिंदुस्तान से हम लोग बाहर नहीं है, हम लोग भी उसी में है। कल तक आपका पीएमसीएच में नहीं था लेकिन आज पीएमसीएच में आ गया है कोरोना वायरस का। कल तक आपका एम्स में नहीं था, एम्स में इलाज होने रहा, तो धीरे धीरे तो फैल रहा ना। आपका हिंदुस्तान में भी दिया गया, आप लोग के माध्यम से जानकारी हुआ हमको कि हमारे भारत को 30 दिन का समय है और संभालना है समय, तो संभाल जाए, और नहीं संभालना है तो फिर महामारी का फैलाव शुरू हो जाएगा। स्थिति वही है जो आप लोगों के बीच में है, बहुत ज्यादा घबराहट है। हाँ हाँ, कैदियों में बहुत ज्यादा घबराहट है। क्यों है घबराहट? क्यों? ये कोरोना वायरस को लेकर के जेल प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। जेल प्रशासन क्या कदम उठाएगा? उसके पास इतना से जगह है, 10 से 12 जगह, 10 से 20 जगह है, वो फैला करके 20 से 50 दिन कर देगा, 20 से 50 दिन कर देगा। जेल प्रशासन क्या करा इसमें? जेल प्रशासन कोई गलती नहीं है, नहीं अभी कोई बेहतर नहीं है। कई कैदियों को भागलपुर जेल में शिफ्ट भी किया गया, शिफ्ट किया जा रहा है। तो क्या भागलपुर जेल में कैदी नहीं रहते हैं? वहाँ भी तो रहते हैं, वहाँ भी तो बायस फैल सकता है। आपको समाधान क्या लग रहा है? समाधान नहीं लग रहा है। न्यायालय और भारत सरकार, राज्य सरकार से हमको मांग है और चाहते हैं आग्रह पूर्वक कि विचार करें कि जो व्यक्ति जिस लाइक हैं, हर तरह का व्यक्ति वहाँ पे हैं, हर तरह का मतलब कैदी है वहाँ पे। हाँ, सजापता भी है, तो सजापता को कुछ दिनों के लिए, जब तक लगता है कि हाँ मेरे यहाँ अशांति फैलने वाला है, अशांति खत्म हो जाएगा इतना टाइम में, उतना कम टाइम के लिए उसको पेरोल पर छोड़ दिया जाए। जो व्यक्ति को लगता है बड़ा केस में है उनको उतना दिन के लिए ओरिजिनल बेल दिया जाए, जिनको लगता है कि नहीं छोटा मोटा केस है नियमित बेल दे दिया जाए। सदन में उठाएंगे? हाँ, सदन में उठाएंगे। कोई संदिग्ध भी है क्या अंदर जेल में? अंदर कोई संदिग्ध आज नहीं है, कल तो हो जाएगा ना। खौफ कितना है जेल में? कोरोना का खौफ कितना है? बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा भाई, सोच नहीं सकते कितना खौफ है। हाँ, खाना पीना भी बंद हो गया है, एक दूसरे से बात करना बंद हो गया है, एक दूसरे के बीच में रहना सहना बंद हो गया है, भेदभाव का स्थिति उत्पन्न हो गया है। तो किस तरह का डर लग रहा है? हर तरह का डर है, जो बाहर में डर लग रहा है उसी तरह का डर लग रहा है। सामने सूर्य का डर नहीं है, हर व्यक्ति को डर लग रहा है। तो आप लोग चाहते क्या हैं? हम लोग यही चाहते हैं भारत सरकार, राज्य सरकार और न्यायालय से इस पे आग्रह पूर्वक इस पे विचार करें। सर सामने देखिए, विधान परिषद में इसका सवाल उठाएंगे। हाँ हाँ, उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे सवाल।